समा की खबर के बाद निगरा वजीर अला पंजाब भी मुतहरिक हो गए। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा, सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, अहम फैसले अवाम के सामने लाए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मामले का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, आपके पास क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पंजाब में इंजेक्शन से आंखों की बिनाई जाने का जो मामला है सामने आया था और समा ने इसको हाईलाइट भी किया था, तो इस हवाले से पंजाब मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने काबीना का इजलास तलब कर लिया है जो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। और इस इजलास में जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से फैसला होगा और देखा जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं और कैसे इसमें गुनाह काम को किया गया। इसके साथ साथ जो पंजाब में आशूब चशम की जो बीमारी थी आंखों की, बच्चों में, खवातीन में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, उसको भी काबू पाने के लिए गौर खोज किया जाएगा। और ये इजाज जो है वजीर आलम ने अभी एमरजेंसी में तलब कर लिया और अब से कुछ देर में हवाले वजीर आलम में ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप तफसीलें आगाह कर रहे थे अब्बास, बहुत शुक्रिया।